हेलो क्लास, वेलकम टू एसिंक केमिस्ट्री क्लासेस। और इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ बचे हुए अपने टॉपिक्स, जो सम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के कुछ बचे हुए टॉपिक्स हैं। जो कौन कौन से टॉपिक्स हैं पहले हम लोग बात कर लें। पहला टॉपिक है यहाँ पे जो आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे, वो है नंबर ऑफ सेल को लेकर के हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। दूसरा जो हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़, वो होगा आपका वैलेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे, वैलेंसी विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एंड विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, जो कि ओल्ड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन आपको क्लास टेंथ में ओल्ड कॉन्सेप्ट ही पढ़ना है। न्यू कॉन्सेप्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग क्लास इलेवेंथ में पढ़ेंगे, तो अभी के लिए ओल्ड कॉन्सेप्ट ही सही। थर्ड जो आपका टॉपिक आज का होने वाला है वो है रिएक्टिविटी। किसकी रिएक्टिविटी? तुम्हारी रिएक्टिविटी नहीं, मेरी रिएक्टिविटी नहीं, किसकी रिएक्टिविटी? मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। किसकी रिएक्टिविटी भैया? मेटल्स की एंड नॉन मेटल्स की, ठीक है। तो इसके बाद का जो टॉपिक होगा फोर्थ, वो क्या रहेगा? वो रहेगा आपका मेटलिक कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर? मेटलिक कैरेक्टर। तुम्हारी कैरेक्टर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी कैरेक्टर? बिल्कुल भी नहीं। मेरी कैरेक्टर बहुत अच्छी है, तुम्हारी पता नहीं, ठीक है। तो मेटलिक कैरेक्टर, मेटलिक कैरेक्टर जब हम लोग देखेंगे तो साथ ही साथ हम लोग नॉन मेटलिक देखने में क्या हर्ज है, है ना। तो नॉन मेटलिक कैरेक्टर भी देख लेंगे। और जब भी हम लोग मेटलिक कैरेक्टर और नॉन मेटलिक कैरेक्टर को डिस्कस करेंगे ही, तो हम लोग वहां पे लगे हाथों क्या देख लेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज को भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया फोर्थ। और लास्ट चलते चलते फिफ्थ टॉपिक देख लेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो आज का आपका जो टॉपिक्स है वो यही पांच टॉपिक है, और इसके बाद आपका ये पार्ट हो जाता है खत्म, ठीक है। तो चलिए फिर आज के पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि क्या है? नंबर ऑफ सेल्स। तो नंबर ऑफ सेल्स में हम लोग दो बातें करेंगे। पहली बात करेंगे डाउन अ ग्रुप और दूसरी बात करेंगे अक्रॉस अ पीरियड, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोगों का जो है भाई नंबर ऑफ सेल, पहले हम लिख देते हैं नंबर ऑफ सेल। सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिट्स भी कहते हैं, ठीक है। सेल को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, कहां पे बात करते हैं? इन अ ग्रुप, है ना। पहला हम लोग बात कर देते हैं इन अ ग्रुप। एक ग्रुप में क्या होता है? कभी भी जब आप एक ग्रुप में मूव करते हो, टॉप टू बॉटम जब आप एक ग्रुप में मूव करते हो, तो आप चाहे जिस ग्रुप में रहो, उस ग्रुप में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या है भाई? सबसे बाहर का जो ऑर्बिट है, उस बाहर के ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम क्या बोल देते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? सेम होता है अक्रॉस अ ग्रुप। तो हम क्या बोलते हैं भाई कि इन अ ग्रुप क्या होता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अक्रॉस अ ग्रुप रिमेंस सेम। नहीं समझ में आया? तो चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल क्या देखते हैं हम लोग, मान लो कि लिथियम में है, तो हम लोग देखते हैं कि लिथियम है पहला ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप में आपका लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रूबीडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, है ना। तो यहाँ पे आप क्या देखते हो कि लिथियम के पास आपका कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 3 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम लोग क्या लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन? 2 और 1। तो इसका जो आउटर मोस्ट सेल है, वो आउटर मोस्ट सेल कौन है? 1 है, तो मतलब सॉरी सेकंड है। दूसरा इसका सेल जो है वो आउटर मोस्ट सेल है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? तो 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के पास जब आप आते हो, तो सोडियम के पास आप क्या देखते हो कि सोडियम के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 11 मतलब 2, 8 और 1। तो इसका जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें भी देखो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। आप जब पोटेशियम के पास आते हो जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 19। तो यहां पे भी आप क्या देखते हो कि यहां पे भी आपका क्या है? 2 है 8 है 8 है और 1 है। तो यहां भी देखो आप क्या हो गया, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 1। तो हम क्या बोल रहे थे आपको? बोल रहे थे कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना, अक्रॉस अ ग्रुप रिमेन्स सेम, ठीक है।
अब देखो आप रुबिडियम के पास जब आओगे तो रुबिडियम के साथ में भी क्या हो जाता है, इसके साथ भी यही होता है, 2, 8, 18 और 8 के साथ 1, तो 2, 8, 18, 8, 1, ठीक है। अब जब सीजियम में आते हो तो सीजियम में भी आप क्या देखोगे, 2, 8, 18, 18, 8 और 1, ठीक है। अब जब फ्रांसियम में आओगे तो चलो फ्रांसियम का करके हमको दिखा दो कितना होगा, फटाफट लाइव चैट बॉक्स में मेरे को बताते रहो, है ना। देखो तो यहाँ पर लास्ट में 1 आता है या नहीं आता है, अगर नहीं आया तो तुम्हारा गलत है, ठीक है। तो आपको भैया ये चीज़ समझ में आया क्या, कि जब भी हम एक ग्रुप में मूव करेंगे, चाहे हम जिस ग्रुप में रहें, जब भी हम एक ग्रुप में मूव करेंगे तो ग्रुप में हमेशा आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। एक और छोटा सा एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का अगर हम लोग एग्जांपल देख लें, तो आप देखोगे कि फ्लोरीन कितना होता है, 9 होता है, 9 होता है मतलब क्या हो जाएगा, 2 और 7, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 रहा, है ना। अब क्लोरीन कितना होता है, 17 होता है, तो 17 के लिए आप क्या देखते हो, 17 के लिए आप देखते हो 2, 8 और 7, ठीक है। ऐसे ही आप देखो ये आपका ब्रोमीन 35 होता है, तो एकदम वेट किसका, 35 का, फटाफट करके मेरे को लाइव चैट बॉक्स में बताओ 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और जब ये हो जाए तो आयोडीन को क्यों छोड़ना, आयोडीन का भी देखो तो लास्ट में 7 आता है कि नहीं आता है, तो एकदम तुम्हारे पास उतना ही टाइम है जितने टाइम में हम इस चीज को बोल रहे हैं, और एकदम फटाफट अपने कॉपी पे एकदम लिखते चलो, लिख करके बताओ मेरे को लास्ट में कि 35 का आ रहा है कि नहीं लास्ट में 7, बिल्कुल अब देखोगे 7 आएगा, ठीक है। तो 7 आएगा तो हम क्या देखते हैं कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि सबसे बाहर का जो ऑर्बिट है उसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो देखो तो अक्रॉस अ ग्रुप हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। तो इन अ ग्रुप हम लोगों को ये चीज मिलता है, ठीक है। और दूसरा जो चीज आपको ग्रुप में देखने को मिलेगा वो क्या मिलता है, कि दूसरा बात जो हो जाता है ग्रुप में वो होता है कि डाउन द ग्रुप आते हुए नंबर ऑफ पीरियड चेंज होता है, डाउन द ग्रुप आते हुए क्या होता है, नंबर ऑफ पीरियड जो होता है वो क्या हो जाता है, वो आपका इंक्रीज करता है। तो डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ पीरियड इंक्रीज करता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि लिथियम सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता है, तो सोडियम थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, तो पोटेशियम फोर्थ पीरियड से बिलोंग करता है, तो रुबिडियम फिफ्थ पीरियड से बिलोंग करता है, सीजियम सिक्स पीरियड से बिलोंग करता है, फ्रांसियम सेवेंथ पीरियड से बिलोंग करता है, अगर यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन लिख देते तो हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड से बिलोंग करता है, है ना। और हाइड्रोजन के लिए भी देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाता है, 1, तो 1 हो जाता हो तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी कितना इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन था। तो फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करने वाले जो भी एलिमेंट्स हैं उन सबके पास देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 होगा, सेकेंड वालों के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होगा, थर्ड वालों के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 होगा, मतलब थर्ड मतलब आप बोरॉन फैमिली लेके चलना, है ना, आप सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट को लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को लेकर के बात कर रहे हैं, डी ब्लॉक की यहाँ पे अभी कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई फोर्थ पीरियड में जाओगे तो कार्बन फैमिली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 होगा, फिफ्थ पीरियड में जाओगे नाइट्रोजन फैमिली तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 होगा, आप जहां पे भी जाओगे आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके ग्रुप के नंबर के इक्वल मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई ये चीजें होती हैं। अब दो बातें चलो हम लोग पहले थोड़ा सा इसको समराइज कर देते हैं, क्या हम लोग इसको समराइज कर देते हैं भाई, कि ग्रुप में हमको दो बातें पता चली, इन अ ग्रुप हमको दो बातें पता चली। पहली कौन सी बात हमको पता चली, पहली बात हमको पता चली कि अक्रॉस अ ग्रुप, अक्रॉस अ ग्रुप मतलब कि जब भी हम लोग टॉप टू बॉटम एक ग्रुप में मूव करते हैं तो अक्रॉस अ ग्रुप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेंस क्या सेम रहता है ना, अभी तो हम लोग बात किए कि रिमेंस सेम, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन सेम, ठीक है। दूसरा हमको क्या पता चला कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रुप फ्रॉम विच एलिमेंट बिलोंग्स, जिस ग्रुप से एलिमेंट बिलोंग करता है उस ग्रुप के नंबर के इक्वल ही उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स का संख्या होता है, ठीक है। चलो इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर के समझा देते हैं, है ना। एक एग्जाम्पल ले लो, मान लो कि लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, है ना। तो यहाँ पे आप देखो कि कौन किस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो ये पहले ग्रुप से बिलोंग करता है,
ये दूसरे से, और हम फिर से आपको बोलते रहे हैं कि हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज को लेकर के, हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को लेकर के बात कर रहे हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में बोरॉन को हम लोग थर्ड ग्रुप में रखते हैं, कार्बन को फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ, और अगर नियॉन लिखना है तो नियॉन भी लिख लो एट्थ, ठीक है। तो यहां पे देखो तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग लिखते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग लिखें, ठीक है, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है ऊपर में नंबर ऑफ ग्रुप है, ठीक है। तो ये आपका नंबर ऑफ ग्रुप यहां पे बताया जा रहा है, और यहां पे हम लोग नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने वाले हैं। तो लिथियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आया लिथियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन आया। बेरिलियम के पास दो आएगा, बोरॉन के पास तीन आएगा, कार्बन के पास चार आएगा, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पांच होगा, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन छह होगा, है ना, फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सात होगा, नियॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आठ होगा, यही होगा, है ना। तुमको भरोसा नहीं हो रहा कि यही होगा, समझ में नहीं आ रहा है, करके देख लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तीन, तीन मतलब दो और एक। बेरिलियम का कितना होता है, चार, चार मतलब टू और टू। बोरॉन का कितना होता है, पांच, पांच मतलब टू और थ्री। तो देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, एक, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, दो, देखो यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तीन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आया, तीन, और नंबर ऑफ ग्रुप कितना है, तीन, तो नंबर ऑफ ग्रुप कितना है, दो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो, नंबर ऑफ ग्रुप वन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी वन, ठीक है। ऐसे ही आप कार्बन की तरफ चले जाओ तो कार्बन क्या हो जाएगा, टू और फोर, है ना, तो टू और फोर, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, फोर, तो देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग फोर लिखे हैं, और ग्रुप का नंबर कितना है, फोर। ऐसे ही आप फाइव की तरफ में आ जाओ तो टू और फाइव, है ना, नाइट्रोजन कितना होता है, सेवन होता है इसका एटॉमिक नंबर, सेवन मतलब कि टू और फाइव इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो टू और फाइव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, पांच, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग पांच लिखे, और इसका ग्रुप देख लो कहां पे है, पांच। ऐसे ही आप नियॉन की तरफ चले जाओ तो नियॉन कितना होता है, दस, दस मतलब कि दो और आठ, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, आठ, तो देखो हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना निकला, आठ हम लोग लिखे, और ग्रुप का नंबर क्या था, एट था। तो ये भैया एक चीज जो होती है वो क्या होती है, कॉमन होती है, ठीक है, इन अ ग्रुप। उम्मीद है अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसके बावजूद भी दिक्कत है तो ठीक है, थोड़ा सा पीछे जाओ वीडियो में और फिर से देखना शुरू करो और फिर आगे आओ। तुम्हारा ही है वीडियो, तुम्हारा ही मोबाइल है, डाटा तुम्हारा है, मेरा क्या जाता है। तुम एकदम पीछे जाओ आगे आओ, पीछे जाओ आगे आओ, और तब तक देखो जब तक समझ में नहीं आए। ज्यादा दिक्कत हो तो मेरे को व्हाट्सअप कर दो, बताइए मेरा व्हाट्सअप नंबर क्या है। अब नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में क्लिक कर दो, मिल जाएगा, है ना, तो वहां से मेरे को व्हाट्सअप कर दो, ठीक है। चलो भैया तो आगे बढ़े, ये तो हो गया ग्रुप का बात, अब बात करते हैं पीरियड का, ठीक है। तो पीरियड में क्या बातचीत हो सकती है, तो बात कर दें इन अ पीरियड, पीरियड में क्या चीजें होती हैं। तो एक पीरियड में सिर्फ एक ही चीज कांस्टेंट होता है, वो पता है क्या होता है, वो होता है नंबर ऑफ पीरियड। क्या होता है कांस्टेंट भैया, कांस्टेंट होता है नंबर ऑफ पीरियड, पीरियड का जो नंबर होगा ना वो इक्वल होता है किस चीज के इक्वल होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के। मतलब अब ध्यान से मेरे बात को अपने दिमाग में डालो, पहले अच्छे से सुनो। एक पीरियड में जो भी एलिमेंट बिलोंग करेगा उस एलिमेंट के पास जो भी नंबर ऑफ ऑर्बिट होगा उसके पीरियड के नंबर के इक्वल होगा। जी हाँ, किसी भी एलिमेंट का अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स जानना है कि इस एलिमेंट के पास कितना ऑर्बिट है, तो उसके पीरियड के नंबर को देख लो, उसका नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल टू नंबर ऑफ पीरियड होता है, है ना। चलो देखते हैं, लिखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड, सेकेंड पीरियड को देखते हैं, किस पीरियड को देखते हैं, सेकेंड पीरियड को देखते हैं। अब सेकेंड पीरियड में कौन कौन सा एलिमेंट होता है, तो सेकेंड पीरियड में देखो तो होता है आपका लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, है ना, आपका नियॉन तो इधर आ नहीं रहा है, तो चलो नियॉन को भगा देते हैं, इधर छोटा सा पड़ गया स्क्रीन अपना, ठीक है, बीच में थोड़ा ज़्यादा से बड़ा सा गैप पड़ गया, तो चलो भैया फ्लोरीन तक ही देख लो, इतना ही मैं काम चलाऊँ। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ठीक है। कितना कितना इन लोगों के पास ऑर्बिट है तो चलो देख लेते हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोग अभी निकाले थे, क्या आया था, टू और वन। इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाले थे, क्या आया था, टू और टू। इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाले थे, क्या आया था, टू थ्री। इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाले थे, कितना आया था, टू और फोर। इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना आया था, टू और
5, इधर 2 और 6 और इधर 2 और 7। देखो जिनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने में दिक्कत है ना, उनको सबसे पहला पता है दिक्कत कहाँ पे होगा, उनको याद नहीं होगा एटॉमिक नंबर। तो आपको एटॉमिक नंबर याद रखने का जरूरत है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है, 4 होता है तो 2 और 2 हो जाएगा, बोरॉन का 5 होता है, 5 होता है तो 2 और 3 रहेगा, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 3 इलेक्ट्रॉन। कार्बन का 6 होता है, 6 मतलब कि पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, मतलब कि पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का 8 होता है, मतलब कि पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन तो दूसरे सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन का 9 होता है, तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिट अगर हम लोग चेक कर दें कि नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या रहा, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट देखो तो सबके पास दो ही ऑर्बिट आया ना। यहाँ पे देखो ये एक पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, इधर भी देखो ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट सबके पास कितना है, सबके पास कितना है, दो। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिट को एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो एन का वैल्यू सबके लिए क्या है, टू है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? एक पीरियड में ये चीज हमेशा कांस्टेंट होता है। आप जिस पीरियड में भी होते हैं, आप जिस पीरियड में भी होते हैं, उस पीरियड के में जो भी एलिमेंट्स हैं उनके पास जो ऑर्बिट का नंबर होगा वो उस पीरियड के नंबर के इक्वल होता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया यहां पर एक बातचीत। अब हम एक और बात यहाँ पे चलते चलते आपको बोल देते हैं, थोड़ा सा हम कंपैरिजन कर देते हैं ग्रुप और पीरियड को। एक ग्रुप में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉमन कांस्टेंट होता है, एक ग्रुप में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है मतलब सेम होता है। एक ग्रुप में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का नंबर जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और एक पीरियड में नंबर ऑफ ऑर्बिट कांस्टेंट होता है। देखो सबके पास ऑर्बिट कितना है, दो ही है। ठीक है, तो ये पीरियोडिक टेबल में यही दो ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो कांस्टेंट होते हैं, बाकी सारे कैरेक्टर्स वेरी कर जाते हैं। चलिए, तो पहला टॉपिक तो हो गया है ना, पहला टॉपिक तो हो गया, नंबर ऑफ सेल्स हम लोग देख लिए। अब दूसरा हम लोग देखेंगे जो है वैलेंसी। तो दिल थाम के बैठे रहिए, आ रहा है आपके लिए वैलेंसी। ठीक है, तो ये आ गया आपके लिए वैलेंसी। ठीक है, अब वैलेंसी क्या होता है, तो वैलेंसी क्या होता है ये जानने के लिए चलो चलते हैं बहुत दूर यहां से, और राहुल गांधी के नानी के घर जाते हैं। कहाँ जाते हैं, इटली जाते हैं, और इटली में जाकर के देखते हैं भाई एक इटालियन वर्ड है। इटालियन वर्ड क्या है, वैलेंटिया। इटालियन वर्ड कौन सा है, वर्ड है वैलेंटिया। और वैलेंटिया वर्ड का मतलब क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ही होता है, एक एटम के कंबाइनिंग कैपेसिटी को ही हम उसका वैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी जो वर्ड है ना वो वैलेंटिया से डिराइव्ड हुआ है, वैलेंटिया वर्ड से ही डिराइव होकर के वैलेंसी नाम रखा गया है, जिसका मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी, मतलब कि एक एटम दूसरे एटम के साथ कितना बॉन्ड बना सकता है, एक एटम दूसरे एटम के साथ कितना बॉन्ड बना सकता है, या एक एटम कितने एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है, मतलब कि मेरा कंबाइन करने का कैपेसिटी कितना है। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, देख लेते हैं क्या है। तो इट इज डिफाइंड एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट, बोले तो अभी कंबाइनिंग कैपेसिटी को ही वैलेंसी कहते हैं, है ना। और ये एक इटालियन वर्ड, मतलब राहुल गांधी के ममहर से लिया गया एक वर्ड है, जिसका मतलब क्या है, वैलेंटिया। वैलेंटिया मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी। देखो ये वैलेंसी के ऊपर ना दो कॉन्सेप्ट डेवलप्ड हो गए हैं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है ओल्ड और दूसरा कॉन्सेप्ट है न्यू। तो ओल्ड कॉन्सेप्ट 10th में है और न्यू कॉन्सेप्ट 11th में है, है ना। तो पहले हम लोग 10th वाली पार्ट को कवर कर लेते हैं और फिर हम लोग 11th में बात करेंगे कि न्यू कॉन्सेप्ट क्या है। तो ओल्ड कॉन्सेप्ट को देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था फ्रैंकलैंड। वो बोले थे कि भाई विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन और विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एंड विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, दो तरीके से वो वैलेंसी को डिफाइन करने की कोशिश किए, मतलब कि वैलेंसी बताने की कोशिश किए। तो विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में जानने से पहले आपको जान जाना होगा कि हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है। तो हाइड्रोजन हमेशा एक ही बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो अपने नियर हीलियम के पास पहुंचना चाहता है, जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, दो इलेक्ट्रॉन होता है। तो उसका सबसे नियर जो नॉबल गैस है वो
हीलियम है, तो हाइड्रोजन हमेशा चाहता है कि वो एक बॉन्ड किसी के साथ बना ले और एक बॉन्ड बना करके एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर दे कोवेलेंट बॉन्ड में किसी भी एटम के साथ, मान लो एटम बी के साथ, और शेयर करके वो क्या हो जाए अपना दो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर दे। तो उसके दो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट मतलब डुप्लेट रूल बोलते हैं इसको, तो अपना दो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए उसको हमेशा एक बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो एक बॉन्ड बनाना होगा तो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, वन। तो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी वन है तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, वन। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, वन होती है। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी देखो वन है, ये आपको याद रखना है। जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है सबसे पहले उसकी वैलेंसी जान जाएंगे। तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकालना है तो हाइड्रोजन की वैलेंसी हम जान गए, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, वन। ठीक है, अब बात कर दें कि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में वैलेंसी को अगर डिफाइन किया जाए तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड विथ अ पर्टिकुलर एलिमेंट। जिस एलिमेंट का भी वैलेंसी आपको निकालना है, जिस एलिमेंट का भी वैलेंसी आपको निकालना है, आप बस ये देख लो कि वो एलिमेंट कितने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, क्योंकि हाइड्रोजन तो एक बॉन्ड बनाएगा। अब किसी एलिमेंट का एक वैलेंसी है तो वो एक हाइड्रोजन को जुड़ेगा, किसी का दो वैलेंसी है तो दो हाइड्रोजन को जुड़ेगा, किसी का पांच वैलेंसी है तो पांच हाइड्रोजन को जुड़ेगा, किसी का चार वैलेंसी है तो चार हाइड्रोजन को जुड़ेगा। तो भाई जिसकी जितनी वैलेंसी होती है वो उतने हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच कर लेता है। ठीक है, तो हम लोग फिर से आ जाते हैं अपने किस एलिमेंट पे, कौन से एलिमेंट पे, अपने रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स पे। और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में देखो हम यहाँ पे लिख दिए हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। ठीक है, अब सोडियम को हम देखते हैं कि वो एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है ना, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, NaH कंपाउंड बना रहा है, तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, वन। मैग्नीशियम दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, दो। एल्यूमिनियम तीन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, तीन। सिलिकॉन चार हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, चार। तो आपको एक चीज याद रखना है ना, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में वैलेंसी का जो ऑर्डर होता है वो ऐसे कुछ वेरी करता है अक्रॉस अ पीरियड कि 1 2 3 4 4 3 2 1, तो 1 2 3 4 और फिर वहां से डाउन आने लगता है तो 3 2 1। तो क्या देखना है भाई कि 1 2 3 4 और फिर 4 से अब डिक्रीज करेगा तो 3 2 1। ठीक है, तो 1 2 3 4 3 2 1, तो 1 2 3 4 फिर 3 2 1। तो फास्फोरस जो होगा वो 3 के साथ अटैच होता है, हाइड्रोजन सल्फर 2 के साथ अटैच होता है और क्लोरीन 1 के साथ अटैच होता है। हम आपको ये भी बता देते हैं कि यहां पे क्या लॉजिक है ऐसा, ये 1 2 3 4 और 3 2 1 का क्या लॉजिक है। सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन था, एक, तो वो एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया। इसका आउटरमोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन था, ये क्या किया, एक हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया और खुद 2 8 हो गया और 2 8 होकर के अपना वैलेंसी 1 शो कर दिया। मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन था आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, तो 2 इलेक्ट्रॉन था तो 2 के साथ ये बॉन्ड बना लिया। एल्युमिनियम के साथ 3 था तो ये 3 के साथ बॉन्ड बना लिया, और सिलिकॉन के पास 4 था तो ये 4 के साथ बॉन्ड बना लिया। अब फास्फोरस के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, अब 8 के पास पहुंचने के लिए इसको कितना बॉन्ड बनाना होगा, तो 3 बॉन्ड बनाना होगा, तो 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया। सल्फर के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, और 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसको कितना हाइड्रोजन का जरूरत पड़ेगा, तो 2 हाइड्रोजन का जरूरत पड़ेगा, तो ये 2 हाइड्रोजन को अपने साथ बॉन्ड में ले लिया। क्लोरीन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 8 के पास पहुंचने के लिए इसको कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ेगा, कितना हाइड्रोजन का जरूरत पड़ेगा, एक हाइड्रोजन का जरूरत पड़ेगा, तो एक हाइड्रोजन को ले लिया अपने साथ में। तो ये सब कुछ होता है अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट रूल आप पढ़े होंगे है ना, लेविस का ऑक्टेट रूल पढ़े होंगे या फिर आप पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड चैप्टर में, तो आप वहां पर ये चीज बहुत अच्छे से और समझ जाएंगे। ठीक है, कि एटम्स की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होती है और कैसे होती है। तो भैया सब लोग अपने अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन करने के चक्कर में लगे रहते हैं, अब कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज करके, तो कोई इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, तो कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, तो सभी लोग अपने अपने तरीके से यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट किए। तो आपको याद रखना है कि विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन वैलेंसी कैसे वेरी करेगा एक पीरियड में, 1 2 3 4 3 2 1। ठीक है, दूसरा हम लोग बात कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में क्या होगा। तो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में जानने से पहले हमको जानना होगा खुद की ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में खुद कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है। और 8 करने के लिए इसको कितना बॉन्ड बनाना होगा, तो 2 बॉन्ड बनाना होगा,
दो बॉन्ड बनाना होगा, तब तो दो कहीं से ये शेयर करके इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, तो आठ हो जाएगा खुद। तो छह इलेक्ट्रॉन खुद का है और दो बॉन्ड और ये बनाना पसंद करेगा आठ होने के लिए। तो दो बॉन्ड बनाना पसंद करेगा मतलब इसकी कैपेसिटी कितनी है, दो बॉन्ड बनाने की है। तो अगर कैपेसिटी दो बॉन्ड बनाने की है तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, दो होती है। क्लियर है मेरी बात? अब अगर हम लोग बात कर दे कि ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में वैलेंसी क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे इट इज डिफाइंड एज ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ट्वाइस मतलब दो गुना। तो ऑक्सीजन किसी भी एलिमेंट के साथ जब ऑक्सीजन आके जुड़ जा रहा है तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड के साथ जुड़ रहा है, दो बॉन्ड के साथ जुड़ रहा है। तो दुगना नंबर ऑफ आपका ये आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। जितना ऑक्सीजन जुड़ा है उसका डबल नंबर मतलब दुगने नंबर में वैलेंसी आएगा। अगर एक ऑक्सीजन जुड़ता है तो वैलेंसी कितना हो जाएगा, समझ में आ रहा है पक्का? चलो भी तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम अटैच्ड विथ अ पर्टिकुलर एलिमेंट। अगर एक एटम के साथ, अगर किसी एलिमेंट के साथ एक ऑक्सीजन आकर के जुड़ता है, किसी एलिमेंट के साथ एक ऑक्सीजन आकर के जुड़ता है तो उसका वैलेंसी दो हो जाएगा। किसी एलिमेंट के साथ अगर दो एटम आकर के ऑक्सीजन आकर के जुड़ता है तो उसका वैलेंसी चार हो जाएगा। जितना ऑक्सीजन का नंबर होगा उसका दुगना उसका वैलेंसी होगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन के पास दो वैलेंसी होता है। ठीक है, तो अब चलो हम लोग देखते हैं। देखो यहां पे फिर से हम लोग सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन को रख लिए। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम मैग्नीशियम को लेकर के बात करते हैं। मैग्नीशियम के साथ कितना ऑक्सीजन आया है बताओ तो भाई, मैग्नीशियम के साथ कितना ऑक्सीजन आया है, एक ऑक्सीजन। तो जितना नंबर ऑफ ऑक्सीजन आया है, देखो ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। अगर एक ऑक्सीजन आया है तो दो वैलेंसी होगा, तो वैलेंसी कितना हो जाएगा, दो। इसके बाद हम लोग चलो बात करते हैं सिलिकॉन को लेकर के। सिलिकॉन के पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, दो, तो वैलेंसी कितना हो जाएगा उसका, दुगना मतलब चार। इसके बाद चलो बात करते हैं सल्फर को लेकर के। सल्फर को लेकर के बात करते हैं, तो सल्फर के पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, तीन, तो वैलेंसी कितना हो जाएगा, छह। अब आते हैं सोडियम पे, तो सोडियम कितना सोडियम है, दो सोडियम है, और ऑक्सीजन कितना है, एक है। सोडियम कितना है, दो, और ऑक्सीजन कितना है, एक। तो भाई वैलेंसी क्या हो जाएगा, तो वैलेंसी हाफ इंटू टू हो जाएगा। तो वैलेंसी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू टू, तो वैलेंसी हो जाएगा वन। अब तुम बोलोगे हाफ इंटू टू क्यों हुआ, तो देखो दो सोडियम के लिए एक ऑक्सीजन आ रहा है, तो एक सोडियम को कितना ऑक्सीजन मिलेगा, आधा ऑक्सीजन मिलेगा। वैसे ही देखो एल्यूमिनियम के केस में आप आ जाओ, तो दो एल्यूमिनियम को तीन ऑक्सीजन मिल रहा है, दो एल्यूमिनियम को तीन ऑक्सीजन मिल रहा है। तो आप क्या कर दोगे यहां पे, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे तुरंत हो जाएगा आपका कि भैया एक ऑक्सीजन के लिए एक एल्युमिनियम को तब कितना चार्ज मिलेगा, एक एल्युमिनियम को कितना चार्ज मिलेगा, तीन चार्ज मिलेगा। क्योंकि क्योंकि ये तो बट गया, तीन ऑक्सीजन दो एल्युमिनियम में बट गया, तीन ऑक्सीजन दो एल्युमिनियम में बट गया। अब तीन ऑक्सीजन मतलब कि वैलेंसी कितना हो गया, वैलेंसी कितना हो गया, छह। तीन ऑक्सीजन मतलब वैलेंसी कितना हो गया, छह, और वैलेंसी हो गया छह, तो दो एल्युमिनियम में बटेगा, तो दो एल्युमिनियम में बटेगा तो एक एल्युमिनियम को कितना मिलेगा, तीन, तो एक एल्युमिनियम को मिला तीन। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, चलो फास्फोरस वाले में समझा देते हैं। फास्फोरस का बोला गया है कंपाउंड है P2O5, तो P2O5, तो O5 मतलब कि जितना नंबर ऑफ ऑक्सीजन है, तो ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो ऑक्सीजन का नंबर कितना है, पांच, तो ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम मतलब कि दस हो जाएगा। और फास्फोरस कितना है, फास्फोरस कितना है, दो, तो एक फास्फोरस का वैलेंसी कितना हो जाएगा, तो 10/2 मतलब पांच, तो देखो पांच आया। अब ऐसे ही क्लोरीन वाला तुम खुद मेरे को करके बताओ, तो क्लोरीन वाला करके बताओ, जल्दी से करके बताओ, फटाफट फटाफट एकदम, है ना, दिमाग को दौड़ाओ। तो क्या हो जाएगा भाई, सात ऑक्सीजन है तो 7 × 2 ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन, तो कितना हो जाएगा, 14। और क्लोरीन कितना है, तो दो क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन को कितना चार्ज मिलेगा, सात, तो कितना गया, सात। तो क्लियर हो गया विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एंड विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, है ना। तो चलिए भाई, तो ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में जो आपका वैलेंसी आता है वो ग्रुप के नंबर के इक्वल आता है। जितना नंबर ऑफ आपका ग्रुप होता है उतना नंबर ऑफ आपका वैलेंसी हो जाता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अगर पहले ग्रुप से है तो 1, दूसरे ग्रुप से है तो 2, तीसरे ग्रुप से है तो 3, चौथे ग्रुप से है तो 4, पांचवें ग्रुप से है तो 5, छठे ग्रुप से है तो 6, सातवें ग्रुप से है तो 7। ठीक है,
और आठवें ग्रुप वालों की वैलेंसी जीरो होती है हमेशा, क्योंकि उनके पास कंबाइनिंग कैपेसिटी होता ही नहीं है, नॉर्मल गैस किसी के साथ कोई रिएक्शन सो करता ही नहीं है, तो उसकी वैलेंसी हमेशा कितनी होती है, जीरो। तो कभी भी पूछ दिया जाए कि हीलियम का वैलेंसी कितना होगा, तो जीरो, नियॉन का वैलेंसी कितना होगा, तो जीरो, क्रिप्टॉन का वैलेंसी कितना होगा, तो जीरो। क्लियर है मेरी बात? तो चलो बताओ एक क्वेश्चन मेरा, आर्गन का वैलेंसी कितना होगा, जल्दी से बताओ, जीरो। बाहर मेरे हीरो, ठीक है। चलो तो ये हो गया आपका वैलेंसी का पार्ट कंप्लीट, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ, जो टॉपिक क्या है अपना, रिएक्टिविटी। थर्ड टॉपिक हम लोग का जो है वो है रिएक्टिविटी, ठीक है। तो रिएक्टिविटी को लेकर के हम लोग बात करेंगे ग्रुप में और पीरियड में, ठीक है। रिएक्टिविटी मेटल्स और नॉन मेटल्स की अलग अलग होती है ग्रुप्स और पीरियड्स में, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन पे करना है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ध्यान देते हुए आपको ध्यान दे, आपको यहाँ पे अच्छे से इस चीज को सीखना है कि इन अ ग्रुप, सबसे पहले हम लोग बात कर दें इन अ ग्रुप। एक ग्रुप में जब हम लोग टॉप टू बॉटम की तरफ आते हैं मेटल्स में, ठीक है, और एक ग्रुप में जब हम लोग नॉन मेटल्स में क्या होते हैं, एक ग्रुप में जब हम लोग टॉप टू बॉटम की तरफ आते हैं, तो रिएक्टिविटी दोनों में ही क्या होता है, अलग अलग बिहेवियर को शो करता है, ठीक है। मेटल्स में डाउन द ग्रुप आते हुए रिएक्टिविटी क्या होता है भैया, इंक्रीज करता है। यहां पर रिएक्टिविटी क्या होता है, रिएक्टिविटी यहां पे आपका इंक्रीज करेगा, कहां पे, कहां पे, मेटल्स के लिए। लेकिन नॉन मेटल्स के लिए रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप आते हुए क्या होता है, क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो यहां पे जो रिएक्टिविटी है आपका, यहां पे जो आपका रिएक्टिविटी है, ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। देखो अपवर्ड एरो से इंक्रीज, डाउनवर्ड एरो से डिक्रीज, तो ये इंक्रीज बता रहा है और ये डिक्रीज बता रहा है, ठीक है। तो रिएक्टिविटी मेटल्स के लिए डाउन द ग्रुप आते हुए, डाउन द ग्रुप ये ग्रुप है आपका, ये पीरियोडिक टेबल में ग्रुप है, ठीक है, डाउन द ग्रुप आते हुए, तो डाउन द ग्रुप आते हुए मेटल्स के लिए रिएक्टिविटी इंक्रीज किया, जबकि नॉन मेटल्स के लिए रिएक्टिविटी डिक्रीज किया, ठीक है। चलिए दोनों का एक एक एग्जांपल हम दे देते हैं, मेटल्स वाले साइड का एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, जिसमें हम लोग ले लेते हैं फर्स्ट ग्रुप को ले लेते हैं, एल्कली मेटल्स को ले लेते हैं। तो सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, अगर हम लोग इसको रखें तो डाउन द ग्रुप आते हुए, डाउन द ग्रुप आते हुए रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी इन लोगों की, क्या हो जाएगी, जल्दी बताओ, इंक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी। तो ऑर्डर कैसा होगा, सीजियम सबसे ज्यादा, फिर रूबिडियम, देन पोटेशियम, देन सोडियम, एंड द लीस्ट रिएक्टिव इज लिथियम, ठीक है। जबकि अगर हम लोग नॉन मेटल्स के एक एग्जांपल के तरफ में चले जाएं, तो नॉन मेटल्स के तरफ में एक एग्जांपल अगर हम आपको बताएं कि मान लो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, ठीक है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के अगर एग्जांपल को हम डिस्कस कर दें, तो यहां पे पता है रिएक्टिविटी के ऑर्डर क्या हो जाएगी, डाउन द ग्रुप आते हुए रिएक्टिविटी हमेशा क्या हो जाती है, रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। रिएक्टिविटी इन लोगों की क्या हो जाती है, रिएक्टिविटी इन लोगों की डिक्रीज कर जाती है। तो रिएक्टिविटी जब डिक्रीज करेगी, ठीक है, तो ऑर्डर कैसा रहेगा, ऑर्डर कैसा रहेगा, फ्लोरीन यहां पे सबसे ज्यादा रिएक्टिव रहेगा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और तब आयोडीन। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर पता है हैलोजन्स का कैसा होता है, F2, Cl2, Br2 और I2। F2 सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर Cl2, फिर Br2, फिर I2, ठीक है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऐसा रहेगा, ओके। तो ये हो गई रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स अलोंग अ ग्रुप, ठीक है। अब हम लोग बात कर देते हैं एक पीरियड में क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग बात कर देते हैं कि इन अ पीरियड, एक पीरियड में रिएक्टिविटी की वेरिएशन कैसी होती है। तो यहां पे देखिए लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है। हम सेकेंड पीरियड की बात कर देते हैं, किस पीरियड की बात कर रहे हैं, सेकेंड पीरियड की बात कर रहे हैं। तो सेकेंड पीरियड में कुछ ऐसा है, अब ये ऐसा हम कर दे क्या, ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकेंड ग्रुप, ये थर्ड ग्रुप, ये फोर्थ ग्रुप, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवेंथ ग्रुप, ऐसा कर देते हैं, है ना, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के अकॉर्डिंग हम इसको रिप्रेजेंट कर दिए। अब आप देखो ये बॉर्डर मान लो, ठीक है, यहां से यहां पहले रिएक्टिविटी क्या होता है, डिक्रीज करता है। यहां से यहां रिएक्टिविटी क्या होता है, रिएक्टिविटी के पहले क्या होता है, रिएक्टिविटी डिक्रीज करता है, कम होते चला जाता है। मतलब कि लिथियम से कार्बन की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है।
तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो जाएगा इतनों में, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा लिथियम, फिर क्या हो जाएगा बेरिलियम, देन रहेगा बोरॉन और तब रहेगा कार्बन, ठीक है। और फिर कार्बन से हम लोग जब आगे की तरफ जाते हैं, कार्बन से जब हम लोग आगे की तरफ जाते हैं मतलब नॉन मेटल्स के साइड में जा रहे हैं, देखो इस साइड में क्या है, इस साइड में ये लोग मेटल्स हैं, और जब हम इधर अब नॉन मेटल्स की तरफ आगे जा रहे हैं तो इस साइड में क्या होता है, अब रिएक्टिविटी इंक्रीज करने लगता है। रिएक्टिविटी क्या होता है, इंक्रीज करता है, मतलब कि इधर में फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और कार्बन लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई कि ऑर्डर कैसा हो जाएगा, फ्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन और सबसे कम क्या रहेगा, कार्बन। तो अगर हम कार्बन को बॉर्डर बना करके इस चीज को देखें तो यहां पे देखो पहले ग्रुप से चौथे ग्रुप तक जाते हुए हमको क्या दिखा, रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। और फिर हमको दिख रहा है कि चौथे से सातवें की तरफ जाते हुए रिएक्टिविटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो सबसे कम रिएक्टिव कौन रहा बताओ, तो जल्दी से एकदम चैट बॉक्स में लिखो, जल्दी लाइव चैट बॉक्स में लिखो फटाफट, सबसे कम रिएक्टिव कौन रहा, लीस्ट रिएक्टिव कौन रहा, लीस्ट रिएक्टिव रहा ये आपका है ना कार्बन फैमिली, जिसको हम लोग 14th ग्रुप भी बोल सकते हो तुम अभी के पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया भाई लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। चलो तो रिएक्टिविटी का कुछ ऐसा ऑर्डर आपका होता है ना। तो एक क्वेश्चन है मेरे पास, अब क्वेश्चन क्या है आपको बताना है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन में रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसा है ना। इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर फटाफट एकदम लाइव चैट बॉक्स में बताते चलिए। और एक और क्वेश्चन लगे हैं तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, वो क्या देख लेते हैं कि सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इन लोगों की रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसी है, ठीक है। तो यहां पे आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है, एकदम तुरंत बताइए, जल्दी जल्दी से हमको लाइव चैट बॉक्स में बताइए और वहीं पे हम आंसर आपको देंगे, हम यहां पे आंसर नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका रिएक्टिविटी इन अ पीरियड, ठीक है। चलो फिर तो रिएक्टिविटी का टॉपिक मतलब तीसरा टॉपिक हम लोग का यहीं पे खत्म होता है। अब अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो है मेटालिक कैरेक्टर को लेकर के, कि मेटालिक कैरेक्टर कैसा होता है और मेटालिक कैरेक्टर का वेरिएशन पीरियोडिक टेबल में क्या कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं मेटालिक कैरेक्टर होता क्या है, ठीक है। मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, तो मेटालिक कैरेक्टर में हम बोल सकते हैं कि मेटल्स जो होते हैं इनको इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी इनकी ज्यादा होती है। मेटल्स की क्या होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो हैविंग हम लोग क्या बोलते हैं, हैविंग हाई टेंडेंसी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी इन मेटल्स की क्या होती है, ज्यादा होती है। क्यों होती है क्योंकि इनकी लो आईपी होती है। आयनाइजेशन पोटेंशियल के क्लास में मैंने आपको बताया था कि इनकी आईपी लो होती है। अब आईपी लो क्यों होती है, आईपी लो होती है क्योंकि इन लोगों का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है ये क्या होता है, लो होता है। तो लो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होने की वजह से लो आईपी होता है। अब आईपी अगर कम होगा तो कोई भी एटम जिसका आईपी कम होगा वो तो थोड़े से ही एनर्जी में एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, तो एक इलेक्ट्रॉन को बहुत इजीली रिलीज किया जा सकता है। कब, जब आईपी कम होगा। अब आईपी कम होगा तो भाई जिसका आईपी कम होगा उसको हम मेटल्स कह देंगे। अब देखो आईपी का ऑर्डर कैसा था पीरियोडिक टेबल में, तो देखो ऐसा कुछ था कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज करता है, तो आईपी क्या होता है, इंक्रीज करता है ना। और टॉप टू बॉटम आते हुए रेडियस इंक्रीज करता है, मतलब साइज इंक्रीज करता है, तो साइज इंक्रीज करता है तो आईपी क्या होता है, डिक्रीज करता है। और अभी अभी हम लोग क्या बात किए कि अगर लो आईपी है तो आपका मेटालिक नेचर हाई है, अगर आप क्या है, लो आईपी है तो हाई मेटालिक नेचर, मेटालिक नेचर आपका हाई है। कब, जब आपका आईपी लो है। तो देखो इन अ पीरियड लेफ्ट से राइट जाते हुए आईपी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो आईपी इंक्रीज कर जाएगा तो मेटालिक नेचर डिक्रीज कर गया, ठीक है। तो मेटालिक नेचर डिक्रीज कर गया तो नॉन मेटालिक नेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो हम लोग देखते भी हैं
कभी भी जब हम लोग लेफ्ट टू राइट एक पीरियड में मूव करते हैं तो नॉन मेटालिक नेचर इंक्रीज करता है और मेटालिक नेचर डिक्रीज करता है, ठीक है। जबकि हम लोग एक ग्रुप में जब हम लोग टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो हम क्या देखते हैं, आईपी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब आईपी जब डिक्रीज कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज हो जाएगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करने की टेंडेंसी बढ़ गई, मतलब कि मेटालिक नेचर बढ़ गया। तो आपका क्या हो जाएगा भाई, मेटालिक नेचर आपका वो इंक्रीज कर गया। कब इंक्रीज कर गया, जब आईपी लो हो गया। और आईपी लो कहां कैसे हो रहा है ग्रुप में, जब हम लोग टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं। तो ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए मेटालिक नेचर बढ़ता है एक ग्रुप में, जबकि लेफ्ट से राइट जाते हुए एक पीरियड में मेटालिक नेचर कम होता है, ठीक है। तो चलो भाई, ये हो गया आपका मेटालिक नेचर क्या होता है और मेटालिक नेचर का वेरिएशन पीरियोडिक टेबल में कैसा होता है, ठीक है। तो यहां पे हम चलते चलते आपको दो फंडा दे देते हैं। एक फंडा दे देते हैं कि मेटालिक नेचर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ना, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आईपी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, रेडियस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, एटॉमिक साइज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। तो ये फंडा आपको याद रखना है, ये फंडा आपका काम कर जाएगा, ठीक है। चलिए फिर, ये हो गया आपका मेटालिक नेचर का काम कंप्लीट। अब जब हम लोग मेटालिक नेचर को लेकर के बात किए हैं तो लगे हाथों हम लोग ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ को भी देख लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर को भी हम लोग देखते चलते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर, ठीक है। क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर, ध्यान दीजिए। ए एक एटम है, क्या है, ए एक एटम है। ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। क्या किया भाई, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। तो ए प्लस बन गया और एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ यहां पे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जल्दी किसका होता है, मेटल्स का होता है। अभी हम लोग बात किए कि भाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसका जल्दी होता है, मेटल्स का होता है, है ना। अब एक बात आप नया यहां पे कॉन्सेप्ट आप सीख लो कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो अगर कहीं पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है मतलब कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, ठीक है। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कहीं पे होता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोल देते हैं, रिडक्शन। मान लो कि बी एक एटम है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, क्या किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया तो यह बी माइनस बन गया, तो बी माइनस बन गया तो हम लोग गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमेशा क्या बोलते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमेशा हम लोग रिडक्शन कहते हैं, ठीक है, रिडक्शन कहते हैं। तो गेन कौन करता है, इलेक्ट्रॉन का गेन कौन करता है, नॉन मेटल्स करता है, क्योंकि उनकी ईए ज्यादा होती है, ईए ज्यादा होती है। आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के क्लास में मैंने ये चीज बताया था कि भाई नॉन मेटल्स जो होते हैं ये नॉन मेटल्स क्या करते हैं भाई, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल्स कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल्स कर रहा है ना। तो मेटल्स का ऑक्सीडेशन होता है जबकि नॉन मेटल्स का रिडक्शन होता है। मेटल्स का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, जबकि नॉन मेटल्स का क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। अब यहां पे एक लॉजिक हम आपसे बात करेंगे, एक लॉजिक के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। कौन सा लॉजिक, तो चलो थोड़ा सा पहले कुछ बातचीत कर लेते हैं। देखो एक वर्ड है, कौन सा वर्ड है लेन देन, है ना। तो लेन और देन ये दोनों वर्ड्स एक साथ होते हैं ना, ऐसा हो सकता है क्या कि कोई लेने वाला हो और कोई देने वाला नहीं हो, नहीं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो वहां पे जरूर कोई ऐसा होगा जो इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, बिना किसी के दिए कोई कुछ ले नहीं सकता। और अगर आप दे रहे हो कुछ तो पक्का किसी ना किसी को वहां पे आपका वो एक्सेप्ट करने के लिए होना चाहिए। तो एक डोनर होगा तो पक्का वहां पे एक एक्सेप्टर भी होगा ही होगा, ठीक है। अब जब ये वर्ड्स दोनों साथ साथ में होती हैं, लेन और देन जब दोनों साथ साथ में होती हैं, तो वैसे ही हम बोल सकते हैं कि लॉस और गेन दोनों साथ साथ में होता है।
मतलब कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या होता है साथ साथ होता है, इसी को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली एंड दिस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो आपको क्या किस बात पे ध्यान देना है भाई, किस बात पे ध्यान देना है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ में हो रहा है ना, मेटल्स का ऑक्सीडेशन हो रहा है जबकि नॉन मेटल्स का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे अब आप थोड़ा सा ध्यान देना कि ए का ऑक्सीडेशन हो गया, ए का ऑक्सीडेशन हो गया, ए अपना एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, ए अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो उस इलेक्ट्रॉन को कौन गेन किया, बी गेन किया, है ना, क्योंकि लेन देन तो साथ में होता है। तो ए अगर एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है तो वहां पे बी होगा जो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, जब तक बी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा ए अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ए का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ए का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या करके ऑक्सीडेशन हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करके ऑक्सीडेशन हो रहा है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कब कर पा रहा है जब बी उसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, अगर बी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो ए कभी भी अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं कर पाएगा। तो ए का ऑक्सीडेशन हो रहा है और मदद कौन कर रहा है उसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, बी। तो बी क्या कर रहा है भाई, ए को ऑक्सीडेशन करने में मदद कर रहा है, तो बी कहलाएगा ए के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान दीजिएगा मेरे बात को, बी कहलाएगा ए के लिए क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है क्या, जिसका रिडक्शन होता है ना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि इस देखो इसका ऑक्सीडेशन करने में कौन मदद किया, है ना, ए का ऑक्सीडेशन करने में कौन मदद किया, बी। अगर बी उसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करता तो ए कभी भी अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं कर पाता, क्योंकि लेन देन तो साथ साथ होता है, कोई ले रहा है तो पक्का कोई देने वाला होगा ही होगा, मतलब कि कोई दे रहा है तो उसका क्या हो रहा है, कोई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, मतलब दे रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो पक्का वहां पे कोई ले रहा होगा तो जो ले रहा होगा उसका रिडक्शन हो रहा होगा, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है वो गेन इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि सामने वाला इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, और ये लॉस करके अपना ऑक्सीडेशन कर पा रहा है क्योंकि सामने वाला इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, अब इसी चीज को इस तरीके से भी हम लोग देख सकते हैं कि भाई बी को एक इलेक्ट्रॉन मिला और बी एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके खुद का क्या किया, रिडक्शन किया, बी एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करके खुद का क्या किया, रिडक्शन किया, है ना। अब इलेक्ट्रॉन कौन दिया रिडक्शन के लिए, इलेक्ट्रॉन कौन दिया, तो भाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन कर रहा था, ए। तो ए इलेक्ट्रॉन दिया बी को, ए एक इलेक्ट्रॉन दिया बी को जिससे बी अपना रिडक्शन कर पाया, तो ए बी को हेल्प किया क्या करने के लिए, रिडक्शन करने के लिए, तो बी के लिए ए क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। तो ध्यान से एकदम मेरे बात को देखो, एक बार बैक जाओ, वीडियो को दो बार तीन बार देखो, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। आपको यहां पे ये चीज समझना होगा कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा एक्ट करता है, मतलब कि हम देखो यहां पे एक फंडा लिख सकते हैं, क्या फंडा लिख सकते हैं कि मेटलिक स्ट्रेंथ या मेटलिक नेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिड्यूसिंग नेचर के या रिड्यूसिंग एजेंट के, है ना। तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ या रिड्यूसिंग एजेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेटलिक नेचर, और नॉन मेटलिक नेचर जो होता है क्या होता है भाई, नॉन मेटलिक नेचर जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ऑक्सीडाइजिंग नेचर के, है ना, ऑक्सीडाइजिंग नेचर के। ठीक है, तो ये चीजें आपको जान के रखनी होंगी। यहां पे देखो दो फंडास जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको दो बार तीन बार जाकर के इसको बैक कर करके देखो, ठीक है, तब ये समझ में आएगा। जैसे ही ये लाइव क्लास खत्म होता है इस वीडियो को फिर से एक बार प्ले करो और फिर से पूरे क्लास को देखो, ये पार्ट को बार बार देखो, तब जाकर के ये पार्ट अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो चलो भाई, ये आपका एक पार्ट कंप्लीट हो गया जिसको हम लोग बोले थे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के तरफ, जो है हम लोगों का लास्ट टॉपिक, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्या है हम लोग का फोर्थ टॉपिक आज का, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो MPBP अगर हम लोग डिस्कस कर दें तो क्या होता है भाई, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स डिक्रीजेस
डाउन अ ग्रुप, ठीक है। तो हम लोग किसी भी मेटल्स को अगर देख लें, कोई भी एक मेटल्स को अगर हम लोग देख लें, मान लो कि हम लोग के पास अपना एक मेटल है, ये एक ग्रुप में एक मेटल है जिसको हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, है ना। तो ऐसा डाउन द ग्रुप आते हुए मेटल्स के लिए, मेटल्स के लिए ध्यान रखिएगा, यहां पे हम लिख देते हैं आपके लिए कि मेटल्स के लिए, ठीक है, मेटल्स के लिए डाउन द ग्रुप आते हुए, डाउन द ग्रुप आते हुए, ग्रुप में नीचे की तरफ आते हुए, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डिक्रीज करने लगता है। क्या करने लगता है भाई, डिक्रीज करने लगता है। जबकि नॉन मेटल्स के लिए, नॉन मेटल्स के लिए ये इंक्रीज करने लगता है। कोई भी आप एक नॉन मेटलिक ग्रुप ले लो, कोई भी एक नॉन मेटलिक ग्रुप, लाइक आप फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ले लो, तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आप ले लो, ठीक है। तो एक नॉन मेटल्स के लिए, किसके लिए, नॉन मेटल्स के लिए, आपको ये चीज याद रखना होगा, मेटल्स के लिए अलग होता है और नॉन मेटल्स के लिए अलग होता है। तो नॉन मेटल्स के लिए जब भी आप एक डाउन द ग्रुप आते हो, नॉन मेटल्स के लिए जब भी आप कहां आते हो, डाउन द ग्रुप आते हो, एक ग्रुप में आप जब ऊपर से नीचे की तरफ आते रहते हो, तो क्या होता है, क्या होता है, आपका जो एमपी एंड बीपी होता है, एमपी एंड बीपी जो होता है वो इंक्रीज करता है, वो इंक्रीज करता है, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है। तो ये आपका ऑल अबाउट एमपी एंड बीपी एंड आपका पीरियोडिक टेबल यहाँ पे खत्म होता है। अब इस क्लास को रोकते हैं, ये क्लास एकदम एक च्युइंगम की तरह लंबा सा चबने लगा है, बहुत लंबा चल गया ये क्लास। तो चलो भाई, अब मिलते हैं फिर अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तो इसके टेस्ट की प्रिपरेशन करो इस क्लास की, ठीक है। पूरा पीरियोडिक टेबल का टेस्ट बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है, तो टेस्ट के लिए तैयारी हो जाइए। और चलिए फिर मिलते हैं आगे, तब तक के लिए।